हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। पता नहीं मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मनोज भाई मुझे कोई ऐसा कंसल्टेंट बता दो जो हमारे लिए यहाँ पर जर्मनी हम बस आ जाएँ। कोई भी ऐसा कंसल्टेंट बता दो, कोई मतलब तरीका नहीं बताओ, बस कंसल्टेंट बता दो, बस वो हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर जर्मनी लेके आ जाए। क्यों भाई कंसल्टेंट क्यों? आप लोग खुद नहीं आ सकते? आप लोगों को क्या प्रोसीजर पता नहीं है, या आप किसी को मतलब आप जानना नहीं चाहते ये प्रोसीजर? ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मतलब ये इस तरीके का माइंड लेके बैठे हुए हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार बड़ी एक मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस आए हुए हैं और कंसल्टेंट का नाम बता दो, तो मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके लिए पर्सनली एक डील करूँगा, ठीक हो गया? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ये माइंड में रखें, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं करूँगा, आपका इंटरव्यू की प्रोसेस मैं करूँगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन मैं करूँगा, हर चीज़ में जहाँ जहाँ आप फंस रहे हैं उसकी डीलिंग मैं करूँगा आप लोगों के साथ। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आप मेरे से किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। फर्स्ट 200 लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ यहाँ पर, सिर्फ 200 लोगों की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 200, ऐसे तो मेरे से 500 लोग भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 200 लोग वो चाह रहा हूँ जो यार जेन्युइन हो। ऐसे नहीं है कि बस वो प्रोसेस करवा लें और एट द एंड यहाँ पर नहीं आ रहे, ऐसा भी नहीं करें। काइंडली अगर आप अपना, आप ऐसे समझ लें कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा टाइम नहीं ज़ाया होगा, मैं अपना उस पर एफर्ट डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी बंदे यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो मेरे लिए मतलब ये समझ लें कि ये एक बस अल्लाह की मर्ज़ी से मेरे लिए एक अच्छा काम हो जाएगा कि चलो मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप समझ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब, आप समझ जाएँ, ठीक है? नॉर्मली कोई भी कंसल्टेंट या किसी से भी आप हेल्प लेंगे, कंसल्टेंट नॉर्मली 1000 यूरो चार्ज करेगा मिनिमम। ये मैं मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, मे बी 1500 2000 तक भी जा सकती है ये कॉस्ट। तो आप समझ जाएँ क्या प्रोसीजर, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक कोड दूंगा आप लोगों को, एक कोड होगा, उस वो कोड लेके आप मुझे इस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो कोड लेके मैं वेरीफाई करूँगा कि यार ये बंदा वाकई मेरी वीडियो पूरी देखी है इसने, और ये बंदा बाकायदे यहाँ पर आना था चाहता है। तो आगे हम उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मेरे से आपको कांटेक्ट करना है, डील करना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ कि यार जर्मनी में जो लोग आते हैं वो चार तरीके से आ सकते हैं, ये माइंड में रख लें आप। सिर्फ चार तरीके हैं, इसके अलावा पाँचवा, पाँच तरीके, पाँचवा भी है लेकिन वो मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है? वो आप लोगों को पता चल जाएगा लेकिन मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो एक एक्टिविटी में नहीं आता मेरे। तो मैं सिर्फ चार तरीके बताऊंगा लीगल, ठीक है? चार तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, वही चार तरीके आप समझ जाएं। बस आप अपना बैकग्राउंड देखें कि भाई उस चार तरीकों में से मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, मैट्रिक है, और आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो वो लोग जर्मनी में सिर्फ B1 लेवल करके यहाँ पर आ सकते हैं। B1 लेवल करके, ये समझ जाएं, एक ये कैटेगरी है, नॉन स्किल्स कैटेगरी है, जो नॉन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है B1, B2 भी जाती है लेकिन B1 मिनिमम चाहिए इसके लिए, ठीक होगा? दूसरा जो है, जिसके पास स्किल्स लेवल है, जिसके पास बैचलर किया हुआ है या उसके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन है और उसके पास 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं उसके पास, तो वो जॉब सीकर वीज़ा पे नॉर्मली यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक हो गया? और तीसरा जो कैटेगरी है वो है स्टडी पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है 12 और आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और आप यहाँ पर जर्मनी आना चाहते हैं, तो आप इंटरमीडिएट बैचलर के लिए यहाँ पर जर्मन कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। मेक श्योर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वीडियो मैं हर चीज़ों में मतलब डील करूंगा आप लोगों के साथ। ये नहीं है कि आप चाहते हैं मनोज भाई तो यार जॉब की बातें कर रहे हैं तो जॉब में ही शायद डील कर रहे होंगे, नहीं, स्टडी के लिए आ रहे हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा, जॉब के लिए आ रहे हैं तो फिर और भी अच्छा है मेरे लिए। मतलब मुझे मतलब 100% मैं आप लोगों की इसमें हेल्प कर लूँगा, और सारी चीज़ें शायद मैं आपकी जॉब लगाने में भी हेल्प कर लूँ, ठीक हो गया? जॉब लगाने में भी हेल्प कर लूँ, क्योंकि मेरे अभी इतने लिंक्स हैं यहाँ पर और मैं आपको रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, रेफरेंस अपना दे सकता हूँ या किसी कंपनी में, या क्योंकि मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई थी कंपनीज से लेकिन मैंने, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों नहीं मैं उनकी कंपनीज में गया, लेकिन खैर वो तो बात की बात है, वो मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें। ये मैंने आपको तीन तरीके बता दिए थे कि एक तो मैंने नॉन स्किल्स का बता दिया, मैट्रिक के बाद आ सकते हैं, एक तो जॉब सीकर वीज़ा है जिस पे आपको कुछ स्किल्स होने चाहिए, एक तो स्टडी वीज़ा पे आप आ सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो नॉर्मली जो लोग होते हैं कि यार हमें डायरेक्ट ही
हमें वहाँ पर ब्लू कार्ड के लिए ऑफर हो जाए, वो भी एक वर्क जॉब सीकर वीज़ा की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो जॉब सीकर वीज़ा एक्चुअली है नहीं, वो हम डायरेक्ट ही वर्क परमिट ब्लू कार्ड पे आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने फैमिली के लिए भी आप साथ में लेके आ सकते हो। ये चार तरीके हैं, इस चार तरीके से अलावा लोग यहाँ पर जर्मनी में नहीं आ सकते। ये चार तरीके हैं, इसमें आप समझ जाएं आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, इस कैटेगरी के हिसाब से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मनोज भाई मुझे जॉब सीकर वीज़ा, मेरे पास ये स्किल्स हैं जो आपने मुझे वीडियो में बताए हैं, अब मुझे बताएं कि आप मैं किस कैटेगरी में फ़िट हो रहा हूँ, मुझे स्टडी के लिए आना चाहिए या मुझे जॉब सीकर वीज़ा पे आना चाहिए, या मैं डायरेक्ट ही जॉब फाइंड करके ब्लू कार्ड पे आऊँ, या मैं नॉन स्किल्स मतलब कुछ भी नहीं है तो मैं ये लेवल पे आऊँ। ये गाइडलाइन मेन चीज़ होती है यार, ये गाइडलाइंस होती है, मेन चीज़ गाइडलाइन होती है। आप कंसल्ट फॉर एग्जाम्पल आप कंसल्टेंट के पास चले गए, उनको आपने ये चीज़ें बताई, वो बोलेंगे यार मैं तो आपकी जॉब करवा दूंगा फ़ौरन, या आप तो भाई माइंड में ये रख के बैठोगे, घर जाओगे फ़ौरन बोलोगे, अपने फादर मदर से बात करोगे, बोला कंसल्टेंट ये बोल रहा है बस उसको फीस दो। ऑब्वियसली कंसल्टेंट तो ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा ना यार, उसको फीस दोगे फिर वो आपको वो बातों में लगा देगा, उसके बाद वो बोलेगा चलो आधी फीस लेके आओ, उसके बाद बोलेगा कि यार आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, फिर आप ये कैटेगरी में चले जाओ यार, ये कैटेगरी में चले जाओ, फिर B1 करो, फिर तो आप फंस जाते हो, फिर पैसे तो चले गए, आप क्या करोगे, फिर वही रोना धोना आप चीज़ें करोगे। इससे बेटर ये है कि आप अपनी प्लानिंग करो। इसीलिए मैं लोगों की यार यहाँ पर इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यार एटलीस्ट लोग किस कैटेगरी में किस डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हैं, लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यार अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मनोज भाई इस तरह हमें क्यों बोल रहे हैं, मैं पहले भी लोगों की बड़ी एक हेल्प कर चुका हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं मेरे, मैं क्यों हेल्प करना चाह रहा हूँ कि यार मैंने मेरा कोई कंसल्टेंट नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब स्टार्ट किया था प्रोसेस अपना तो उस टाइम मैं बड़ा एक कन्फ्यूज रहता था, लोगों से हेल्प लेता था, लेकिन ये मेरी अच्छी बात थी मैं लोगों से हेल्प लेता था। तो इसमें कोई नॉर्मल वो नहीं है कि आप किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते, आप किसी से हर बंदे से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरा एक 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 मैंने गलती की थी, वो आप काइंडली गलती ना करें, आप 10 लोगों से हेल्प ना लें, हेल्प लेनी है तो एक या दो बंदों से आप हेल्प लें। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से हेल्प ले रहे हैं तो मेरे से ही हेल्प लें, अगर आप दूसरे बंदे से आप हेल्प लेंगे वो आपको अलग चीज़ बताएगा, फिर मेरी चीज़ में आप अलग चीज़ होगे, फिर आप फंस जाओगे यार फिर ये फिर मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा ना करें। किसी के पास भी आप जा रहे हैं ठीक है, आप लोगों को एक बंदा फाइंड करना है कि यार ये बंदा है, यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, ना मैं कंसल्टेंट है मेरे पास, ना मेरे पास स्किल्स हैं, ना मैं कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकता हूँ, तो ये मैं आपके लिए शायद राइट बंदा हूँ, ये आप याद रखिएगा ठीक है। आप कांटेक्ट कर रहे हैं, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मैं इस ये वीडियो 100% मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मतलब कुछ नहीं करना चाहते और कंसल्टेंसी फ़ीस भी नहीं दे सकते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का सारा कुछ मैं डील करूँगा ठीक हो गया। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप जब मेरे से कांटेक्ट करेंगे ना, जो मैं आपको आपको बताऊँगा, उस कांटेक्ट करने के साथ आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे वो भी मेक श्योर कीजिएगा। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें या आपको पता होना चाहिए, जब आप मुझे, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ, वो आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पे आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मनोज भाई थोड़ी सी मुझे 4 लाइनों में आपकी एक हिस्ट्री चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपना बैकग्राउंड बताएं, उस बैकग्राउंड से मैं डिसाइड करूंगा कि आप लीगल मतलब एक रिलायबल बंदे हो मेरे लिए, मतलब एक टाइम वेस्टेड नहीं हो कि मैं किसी नॉन स्किल्स या बिल्कुल ही अननोन पर्सन पे मैं अपना सर फोड़ रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ ठीक है। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई आईटी फील्ड में कोई बंदा काम कर रहा है, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा यार ये बंदा यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, मुझे लगेगा कि ये बंदा यहाँ पर आ सकता है, आप आ जाए, मतलब मैं आपकी पूरी डील करूँगा। उसके साथ आप अपना टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ आप 4 लाइनें लिखेंगे, अपनी उर्दू हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं ठीक है। और उसके अलावा आप अपना उस पर व्हाट्सएप नंबर देंगे, ये चीज़ें नोट करें, जिस तरह आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर होगा आपका ठीक हो गया। उसके अलावा एक मैं आप अपना कोड बताता हूँ, क्योंकि कोड इज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोड नहीं होगा उसमें तो वो मैं इग्नोर कर लूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, मतलब आप मेरी वीडियो ही नहीं आप सुन रहे तो आप लोगों को यही नहीं पता कि यार मनोज भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, क्या नहीं समझ हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो हम किस तरह कॉन्टेक्ट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी अनाउंस कर दूँ कि भाई फेसबुक पे गया 200 लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो तो मेरे से अभी 500 लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार मेरे से लीगल बंदे रिलायबल बंदे मेरे से कॉन्टेक्ट करें, कोई अननोन बंदा मेरे से कॉन्टेक्ट ना करें ठीक हो गया। मैं आपको लोग बताता हूँ, एक अपना अपने बारे में शॉर्ट हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, दूसरा उसके साथ अपनी एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए
ठीक हो गया। तीसरा, उसमें आपकी अपनी सीवी होनी चाहिए। सीवी किस फॉर्मेट में होना चाहिए? यूरो पास की फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी, आप यूरोप किसी भी कंट्री जा रहे हो, फिलहाल मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जर्मनी के अलावा भी आप किसी कंट्री में जाते हो, यूरो पास की सीवी आपके पास होनी चाहिए फॉर्मेट में। europass.com की एक फॉर्मेट है, अगर नहीं पता तो वो लिंक आपको मेरे से मांग सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। europass.com आप लिखेंगे गूगल पे, वहाँ पर आप अपनी सीवी बनाएं, वो सीवी मुझे सेंड करें। ये तीन चीज़ें होंगी, उसके साथ आप अपना कोड यूज़ करेंगे, एक में जो मैं अपना कोड बता रहा हूँ ये यूज़ करके वो ईमेल में लिखेंगे कोड, कोपन कोड यूज़ कर लें, कोपन कोड, उसके साथ आप लिखेंगे MUKHI, ये 5 लेटर का मैंने अभी वर्ड बताया है, ठीक है, 5 लेटर का वर्ड है MUKHI, ये कोपन कोड मस्ट आपको ऐड करना है उस ईमेल के साथ, वरना आप ये समझें मैं आपसे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ पता नहीं कितने लोग यहाँ पर अभी ईमेल या मेरे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर वो बाद में बोल रहे होते हैं कि मनोज भाई हम किस तरह कांटेक्ट करें आपसे, या हम किस तरह करें। जैसे मैंने एक मोटिवेशन लेटर बनाया था, उसमें मैंने पूरी की पूरी एक लेटर आप लोगों को लिए दे दिया था, ताकि आप लोगों के लिए माइंड पहले से ही क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखी और बाद में मुझे सिर्फ थोड़ा सा देख के मुझे बोले मोटिवेशन लेटर चाहिए। मैंने बोला भाई वीडियो देख के इस तरह कॉन्टेक्ट करो ताकि पता चले आप लोगों को मोटिवेशन लेटर का मतलब पता चल गया है, ठीक है। आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि बनी बनी आपको आपके सामने आ जाएगी बस, वो क्यों आ जाएगी यार बनी बनी आपके, आपको मतलब पता होना चाहिए कि यार हम यहाँ पर आ रहे हैं, कि बंदा जो गया है यहाँ पर जर्मनी वो अपनी एफर्ट लगा के गया है, विदाउट एफर्ट आप फिर आप अपनी भी एफर्ट लगाएंगे ना, आपकी एफर्ट क्या है, आप ये समझ जाएं। मेरा कोई कंसल्टेंट नहीं था, मैंने 1000 लोगों से या 100 लोगों से मैं कांटेक्ट करता था इस तरह, अब आपको 100 लोगों का एक बंदा मिल गया है, ये अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। 100 लोगों से आप कांटेक्ट करते, इससे अच्छा है कि एक मनुष्य से कांटेक्ट कर लो, ठीक हो गया, मनुष्य से कांटेक्ट कर लो, काम हो जाएगा आप लोगों का इंशाल्लाह, बाकी जो भी ऊपर वाले की मर्जी होगी, इस तरह मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना हो, बल्कि मैं कहूँगा अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, अगर आ जाते हैं इस वीडियो को देख के पूरा देख के, तो आप लोग ज़रूर फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।